नमस्कार दोस्तों, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रपति क्या सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है और क्या वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की हर एडवाइस मानने के लिए बाउंड है, और इसके साथ ये भी पूछा जा सकता है कि भारत के राष्ट्रपति की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को डिस्कस करें, तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग हम एग्जाम में क्या लिख सकते हैं, आज की वीडियो इसी के बारे में है। दोस्तों वीडियो कंटिन्यू करने से पहले हम आपको दो बातें कहना चाहते हैं। पहली बात तो ये है कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसके रिगार्डिंग है कि एग्जाम में कैसे लिखना है, और ये वीडियो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की डिटेल स्टडी नहीं है। और दोस्तों दूसरी बात ये है कि वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन उसी टाइम मिल सके। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 25 पार्ट्स और 448 आर्टिकल्स हैं, और इसके साथ ही 12 शेड्यूल्स भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दी गई है। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी जाकर पहले जरूर देख लीजिएगा, उससे ही आपको पता चलेगा कि SAS पार्ट 2 के सिलेबस में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कौन कौन से पार्ट्स दिए गए हैं। सबसे पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से हमने आर्टिकल 3 रीड किया था। आज के इस क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए हमें पार्ट 5 को रीड करना होगा, जिसमें प्रेसिडेंट के बारे में लिखा गया है। इसमें आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक दिए गए हैं। फिफ्थ पार्ट में प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल 52, 53, 71, 74 और 75 में से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। चलिए तो अब हम आंसर राइटिंग शुरू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को थोरली रीड करने के बाद हम देखेंगे कि गवर्नमेंट मशीनरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें पहला पार्ट लेजिस्लेचर, दूसरा पार्ट एग्जीक्यूटिव और तीसरा पार्ट जुडिशरी होगा। लेजिस्लेचर जो पार्लियामेंट में बैठकर कानून बनाते हैं, इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सब आ जाएंगे, और इन बनाए गए कानून को जो भी ऑफिसर्स इंप्लीमेंट करवाते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं, उनको एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहा जाता है, और उनको ही हम सेकंड पार्ट में रख सकते हैं। बनाए गए लॉज को कौन एग्जीक्यूट करवाता है, जैसे कि IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर या और भी कोई भी ऑफिसर जो एक गवर्नमेंट मैनेजरियल पोस्ट पर बैठा हुआ है, सरकार द्वारा बनाए गए लॉज को इंप्लीमेंट एग्जीक्यूट करवाने के लिए। थर्ड पार्ट में हमने रखा है जुडिशरी, और जुडिशरी में कोर्ट्स आ जाते हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, और जुडिशरी का मेन काम होता है इंटरप्रेट करना लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए कानूनों को। अगर हम भारत के संविधान के मुताबिक और अलग अलग देशों के संविधानों के मुताबिक भारत की और दूसरे देशों की सरकार को कंपेयर करें तो सरकार कितने टाइप्स की हो सकती है, तो इसमें देखिए पहली फॉर्म जो आ जाएगी वो होगी पार्लियामेंट्री फॉर्म, और सेकंड आ जाएगी प्रेसिडेंशियल फॉर्म। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको देखने को मिलेगी इंडिया में और यूके में। पार्लियामेंट्री फॉर्म में क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही रियल हेड होते हैं इस तरह की गवर्नमेंट में, और प्रेसिडेंट सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ही होता है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म की बात करें तो USA में आपको मिल जाएगी, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट ही रियल हेड सरकार का होता है और उसके पास ही सारी पावर रहती है। आंसर राइटिंग में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स दिए गए हैं उनके बारे में हम संक्षिप्त में लिखेंगे। तो देखिए जो आर्टिकल 52 है उसमें लिखा गया है कि प्रेसिडेंट होना चाहिए। अब देखिए आर्टिकल 53 क्लॉज 1 में लिखा गया है कि प्रेसिडेंट के पास एग्जीक्यूटिव पावर होगी, और वो खुद या अपने अंडर काम कर रहे सबॉर्डिनेट्स के थ्रू इस पावर को यूज कर सकते हैं। आर्टिकल 71 में लिखा गया है कि प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा की जाएगी, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट द्वारा प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर की जाएगी। आर्टिकल 74 क्लॉज 1 काफी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। इसमें लिखा गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हेड करेगा प्राइम मिनिस्टर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस देने के लिए होंगे। आर्टिकल 75 में देखिए लिखा गया है कि प्रेसिडेंट जब तक चाहे तब तक ही मिनिस्टर अपनी पोस्ट पर बने रह सकते हैं। इन सब आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद हम एक बात तो कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट के पास भी पावर है, पर आर्टिकल 74 क्लॉज 1 में लिखा गया है कि प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं,
तो आप प्रेसिडेंट चाहे तो उनकी एडवाइस को माने या ना माने, पर ऐसा नहीं है। अब जो हम बात आपको बताने वाले हैं, ये आप आंसर राइटिंग में नेक्स्ट पैरा में लिखेंगे। देखिए 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसके अनुसार आर्टिकल 74 को अमेंड कर दिया गया, और अमेंडेड आर्टिकल में लिखा गया कि प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस को मानना ही होगा, वो उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही इसके नीचे प्रोविजो दिया गया जिसके अनुसार प्रेसिडेंट चाहे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा भेजी गई एडवाइस को रिकंसिडर करने के लिए कह सकते हैं, पर एक बार रिकंसिडर करने के लिए वापस भेज दिए जाने पर अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने चाहे तो रिकंसिडर करके या बिना रिकंसिडर किए भी एडवाइस प्रेसिडेंट को दे दी, तो उस सिचुएशन में प्रेसिडेंट को उस एडवाइस के अकॉर्डिंग ही काम करना होगा और उस एडवाइस को मानना ही होगा। तो देखिए इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक्चुअल पावर तो सिर्फ और सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास है, पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मुताबिक प्रेसिडेंट का भी अहम रोल है। अपने आंसर को कंक्लूड करने के लिए हम कुछ और आर्टिकल्स दे सकते हैं जिससे प्रेसिडेंट के बारे में और भी क्लियर हो जाएगा। आर्टिकल 75 क्लोज 3 में लिखा गया कि हर एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पर्सनली रिस्पॉन्सिबल है, और हम जानते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी व्यक्ति की होती है जिसके पास पावर होती है। तो इसका मतलब है कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिखी गई है, तो इसका मतलब है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही एग्जीक्यूटिव फंक्शंस की पावर को एक्चुअल में एक्सरसाइज करते हैं। आर्टिकल 78A में लिखा गया है कि प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी होगी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा लिया गया कोई भी डिसीजन वो प्रेसिडेंट को कम्युनिकेट करेंगे। इस आर्टिकल में भी देखिए स्पष्ट होता है कि डिसीजन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा लिया गया, इसका मतलब है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही डिसीजन लेते हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी शामिल है, उनके द्वारा लिया गया कोई भी डिसीजन प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग होता है, यानी कि प्रेसिडेंट को मानना ही होता है। आर्टिकल 74 क्लोज 1 में हमने पहले ही पढ़ा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की ड्यूटी होती है प्रेसिडेंट को एडवाइस करना, और अगर किसी सिचुएशन में लोकसभा डिसॉल्व भी हो जाती है तब भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपनी पोस्ट पर बने रहते हैं, और उस सिचुएशन में भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस सिचुएशन में भी प्रेसिडेंट खुद से डिसीजन नहीं ले सकते हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही इस सिचुएशन में भी एक्चुअल पावर रखते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम एग्जाम में इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना और दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी finastiacademy@gmail.com पर भेज सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।